बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 19 है। इसमें क्या गिवन है कि लेट वी इज़ इक्वल टू पी थ्री एक्स। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनामियल है, एक्स वेरिएबल के अंदर है और इसकी डिग्री जो है वो क्या है, वो 3 है। बी द वेक्टर स्पेस ऑफ द पॉलिनामियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 टुगेदर विद द ज़ीरो पॉलिनामियल। इसके अंदर ज़ीरो पॉलिनामियल भी शामिल है ओवर आर, यानी कि ये हमारे पास जो हैं वो क्या होंगे, इसके नंबर्स जो हैं कोएफिशिएंट्स वो रियल नंबर हो सकते हैं। डिटरमिन वेदर दी वेक्टर्स, दीज वेक्टर्स 1, 2, 3, ये जो 3 वेक्टर्स हैं बिलोंगिंग टू P3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमने प्रूफ करना है कि ये क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ओवर आर है तो हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स ले लेते हैं ए बी सी में से। ए बी सी जो है वो 3 नंबर ले लेते हैं आर में से और हम इन वेक्टर्स के साथ इसकी क्या लिखते हैं, लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं। अब लीनियर कम्बिनेशन लिखें स्टूडेंट्स, तो ये क्या लिखा जाता है, ए इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x + 1। फिर बी लिखेंगे, इसके साथ ये वेक्टर लिख देंगे x³ माइनस x² प्लस 8x + 2। फिर हम जो है वो सी वेक्टर लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे 2x³ माइनस 4x² प्लस 9x + 5 इज़ इक्वल टू 0। ये क्या बनती है, इसकी लीनियर कम्बिनेशन बनती है। अब हम अगर इसको जो है वो सिंप्लीफाई करें तो ये आता है ए एक्स क्यूब माइनस 3ax² प्लस 5ax प्लस ए बी एक्स क्यूब माइनस बी x² प्लस 8bx प्लस 2b 2cx³ माइनस 4cx² प्लस 9cx प्लस 5c इज इक्वल टू 0। अब हम टर्म्स को सॉर्ट आउट करें तो x³ वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, x² एक्स और कांस्टेंट वाली टर्म्स को, तो ये ए एक्स क्यूब फिर आएगा प्लस बी एक्स क्यूब फिर आएगा प्लस 2cx³ प्लस 2cx³ माइनस 3ax² माइनस बी x² माइनस 4cx² प्लस 5ax प्लस 8bx प्लस 9cx प्लस ए प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। अब इसमें से स्टूडेंट्स जो है वो क्या कॉमन है, x³ कॉमन है, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c इंटू x³। इसमें से माइनस 3a माइनस बी माइनस 4c और ये x² कॉमन आ जाएगा, प्लस इसमें से आएगा ये 5a प्लस 8b प्लस 9c x कॉमन आ जाएगा, प्लस a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख लेते हैं 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1, इसको जो है वो प्लस 0 जो है वो इसको क्या है? हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो है वो स्टूडेंट्स क्या करें, इसका कंपैरिजन करें तो आप लोगों के पास इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी प्लस 2c। ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये क्या आएंगी, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आएगी माइनस 3a माइनस बी माइनस 4c इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन आएगी 5a प्लस 8b प्लस 9c इज इक्वल टू 0। चौथी इक्वेशन आएगी a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगी, 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। ये क्या आ जाएंगी, ये 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। हमने इन 4 इक्वेशंस को जो है वो किस फॉर्म में के अंदर लिखना है, इनको जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1, 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 5, 8 और 9 1, 2 और 5। इधर जो है वो ए बी सी आएगा इज इक्वल टू 0, 0। यानी कि अब हमारे पास ये जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ गई है, मैट्रिक्स आ गई है 1, 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4
फाइव एट नाइन वन टू फाइव, ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है। अब होमोजीनियस सिस्टम में हम जो है वो बात करते हैं दो तरह के जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं। होमोजीनियस में जो है वो स्टूडेंट्स के दो तरह के जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? दो, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो होता है जो ज़ीरो ज़ीरो होता है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वो होता है जो कि ज़ीरो के अलावा भी जो है हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसकी हम एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं। इसके बाद अगली बात करेंगे, वन वन और टू, ये आता है माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, फाइव एट नाइन और वन टू फाइव, वन टू फाइव, ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है। हम इसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करें तो हम ये करते हैं कि आर टू में थ्री आर वन को ऐड कर दें, आर फाइव आर थ्री में से फाइव आर वन कर दें और आर फोर में से आर वन को माइनस कर दें, तो इस वन के नीचे जो है वो क्या बन जाएगा? ज़ीरो बन जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज़ वन वन टू, ये ऐड करें तो ये क्या बनेगा? ज़ीरो। इसको जो है वो ऐड करें तो ये आ जाएगा टू। इसको जो है वो ऐड करें तो ये भी क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। फिर इसमें ये ज़ीरो, ये क्या है? ये फाइव है, और ये माइनस फाइव, तो ये क्या बनेगा? थ्री। माइनस इसके बाद जो है वो क्या बनेगा? माइनस टेन, और ये आ जाएगा हमारे पास वन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। फिर आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है तो ये हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज़ ज़ीरो और ये वन, और ये इसमें से इसको माइनस कर दें, फाइव में से टू को जो है वो माइनस कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू थ्री आ गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो वन को लेके आते हैं और इसके नीचे जो है वो ज़ीरो बनाएंगे। अब यहाँ पे वन लाने के लिए हम क्या करते हैं? वन बाय टू आर टू कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फिर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? वन वन टू, ज़ीरो वन वन, ज़ीरो थ्री वन, और ये ज़ीरो वन थ्री आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ज़ीरो वन थ्री आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे जो है वो स्टूडेंट्स, हम इसको जो है वो ज़ीरो बनाना चाहते हैं। हम क्या लाना चाहते हैं? इसके नीचे ज़ीरो लाना चाहते हैं। तो अब वन के नीचे जो है वो अगर हमें ज़ीरो बनाना है, अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस वन के नीचे जो है वो ज़ीरो लेके आना है। ज़ीरो लाने के लिए हम कौन सा जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे? इसमें ये देखें, आर थ्री माइनस थ्री आर टू और आर फोर माइनस आर टू, ये अगर हम करें तो इसके नीचे जो है वो ज़ीरो बन रहा है। तो कैसे ये लिखेंगे? वन वन टू, ज़ीरो वन वन, ज़ीरो, ये थ्री माइनस थ्री क्या आ जाएगा? ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इधर, यानी कि अब हमारे पास ये जो ऑपरेशन है वो है आर थ्री माइनस थ्री आर टू और आर फोर माइनस आर टू, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वन वन टू, ज़ीरो वन वन, ये ज़ीरो, इसमें से थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? ये माइनस टू आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करना है तो वन माइनस वन जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, और थ्री माइनस वन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू टू। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको ऐड कर देते हैं, आर फोर में आर थ्री को ऐड कर दें, वन वन टू, ज़ीरो वन वन, ज़ीरो ज़ीरो, माइनस टू,
ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स कितनी हैं, इसमें ये देखें ये नॉन ज़ीरो रो है, ये नॉन ज़ीरो है, ये तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ वो कितनी हैं, वो थ्री हैं। तो इसका मतलब इसका जो रैंक है वो किसके इक्वल है, रैंक इज़ इक्वल टू थ्री, इसका जो है वो रैंक वो क्या है, वो थ्री है। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये एक थ्योरम है जो कि चौथे चैप्टर का थ्योरम है, मैंने इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है। और ये इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इस सिस्टम यानी कि लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम जिसमें m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हों, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इन n वेरिएबल्स, और उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, n वेरिएबल्स हैं। जैसे हमारे पास ये चार इक्वेशंस हैं और इसमें वेरिएबल तीन हैं, इक्वेशंस जो हैं वो कितनी हैं, इक्वेशंस जो है वो फोर हैं, वेरिएबल्स जो हैं वो इसमें वो थ्री हैं। कौन कौन से हैं, ए बी सी, ये तीन वेरिएबल्स थे। वो कहता है कि हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ज़ीरो के अलावा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स हैं तो ज़ीरो ए बी सी तीनों जो हैं वो ज़ीरो के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन आता है, यानी कि तीनों ज़ीरो ना हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन एन, रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन एन। अच्छा, अब हमारे पास क्या आया है, रैंक जो है वो किसके इक्वल है, अगर इसको मैट्रिक्स ए कहें तो हमारे पास रैंक आया है इसका थ्री है, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो कितने हैं, वो भी जो है वो थ्री हैं। इसका मतलब लेस वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसमें लेस वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल नहीं है। सो इट डज नॉट पोजेस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो फिर क्या होगा, इसमें ए भी ज़ीरो होगा, यानी कि हमारे पास तीनों एलिमेंट्स हैं तो तीनों एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे, ए भी ज़ीरो होगा, बी भी ज़ीरो होगा, सी भी ज़ीरो, विच शोज़ दैट द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, विच शोज़ दैट द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यही हमें स्टूडेंट्स जो है वो क्या करना था, इस एग्जांपल के अंदर जो है वो प्रूव करना था।